चाय विकास बोर्ड का लोगो जारी किया। लोगो जारी होने से अब राज्य की चाय एक विशिष्ट पहचान के साथ बाजार में उतर पाएगी। वहीं राज्य की अपनी प्राकृतिक चाय इस लोगो के जरिए सूबे का पर्यटन भी प्रचारित करेगी। वहीं चाय विकास बोर्ड के निदेशक डॉक्टर बी एस नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में चाय की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने से हुई, इसलिए अब राज्य ने प्रगति करते हुए अपना बोर्ड बनाया है। बता दें कि उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 10 जनपदों में चाय का विकास किया जा रहा है, इससे जनता को रोजगार से जोड़ा जा सके। उत्तराखंड टी धीरे धीरे दुनिया और देश के टी मार्केट में अपना स्थान बना रही है, और अच्छी बात हमारे लिए यह है कि टी लवर्स हमारी चाय को पसंद कर रहे हैं, और मैं टी बोर्ड को इस बात के लिए साबसी देना चाहता हूं कि वो इधर कुछ ही समय के अंदर 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन को अंडर टी कल्टीवेशन ले आए हैं, और इस साल लगभग 500 हेक्टेयर और जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसलिए जैसे आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड की जो उत्तराखंड में सन 1835 में ब्रिटिश पीरियड से ही ये चाय का काम शुरू हुआ था, उसके बाद किन्हीं कारणों से इसका ह्रास हो गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 93-94 में ये फिर इसमें चाय का काम शुरू किया। उसके बाद 2004 में उत्तराखंड ने गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि लगभग 1000 हेक्टेयर में हम लोग कर रहे हैं, और इसमें यह है कि एक हमारा जो मॉडल है उत्तराखंड का वो पूरे देश में यूनिक मॉडल है। और जब तो इंडिविजुअल जो लोग अपने चाय बागान लगाते हैं, यहाँ पर हमने ये किया है कि किसानों की अपनी भूमि को लीज पर लेकर के, और वो अपने ही जमीन में उनको रोजगार भी प्रदान होता है, और इसमें ये प्रोविजन है कि 7 साल बाद जो है उनको वो भूमि वापस कर दी जाएगी और वो अपना खुद बगान उसको चलाएंगे। सरकार जो है इसमें 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो लेगी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 4